हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वेलरी एंड ब्यूटी टाइम। मैं प्रियंका मिश्रा, मैं आज अगर आप लोगों से एक बहुत ही अच्छा होम रेमेडी वीडियो शेयर करने के लिए आई हूँ, जो समर्स के लिए हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारी स्किन के लिए। इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने के लिए आई हूँ तरबूज का फेस पैक, जो हमारे समर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तरबूज सिर्फ खाने के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होता है, इनफैक्ट हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें करना क्या है और हमें इसमें चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, हमें इसमें चाहिए तरबूज, तरबूज चाहिए हमें, और साथ ही साथ हमें इसमें चाहिए इस फेस पैक को बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, और इसके साथ साथ हमें चाहिए एक कटोरी या चम्मच, क्योंकि हम इसी में फेट के इसको बनाने वाले हैं। और अगर आप चाहें तो गुलाब जल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हमें ये फेस पैक रेडी कैसे करना है समर्स के लिए, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी बात करती चलूँगी, बताते चलूँगी कि तरबूज के इस फेस पैक का फ़ायदे क्या है हमारी स्किन के लिए। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो और आप लोगों से बताती हूँ कि कैसे फेस पैक हमें रेडी करना है। तो सबसे पहले हम तरबूज के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें तरबूज ले लेना है और उसके बाद इसको हमें स्मैश कर लेना है, और स्मैश करने के बाद हम इसका जूस निकालेंगे। और साथ ही मैं आपको बताती हूँ तरबूज में ऐसा होता क्या है जो हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो तरबूज एक बहुत ही अच्छा टोनर का काम करता है, जो हमारी स्किन को टोन करता है, और साथ ही साथ हमारी स्किन, अगर हमारी धूप में अगर हमारी स्किन जल गई है, सन टैन हो गया है या सनबर्न हो गया है, तो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है तरबूज का जूस। और साथ ही साथ इसमें कुछ मात्रा में विटामिन ए भी पाया जाता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तरबूज में हल्के फुल्के मात्रा में एसिडिक गुण होता है, जो हमारी त्वचा को नेचुरली तौर पर टोन करता है। तरबूज में विटामिन ए होता है, जो हमारी स्किन के पोर्स को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करता है, पोर्स के साइज को छोटा करता है, और साथ ही साथ अगर हमारी त्वचा में ऑयल ज़्यादा है और ऑयल ज़्यादा निकलता है, ऑयली है, तो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। तो ये तो तरबूज के इतने सारे फ़ायदे थे जो हमारे समर्स के लिए बहुत ज़्यादा हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आप चाहें तो इस जूस को, जो जूस मैंने अभी निकाला है, इसे कॉटन की हेल्प से डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बिना कुछ इसमें ऐड किए, बिना कुछ इसमें मिलाए। हर एक दिन बाद अगर आप जूस को डायरेक्ट फेस पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन चलिए, साथ ही मैं फेस पैक बनाने का आपको तरीका बता रही हूँ। ये तो मैंने आपको बताया कि जूस को आप डायरेक्टली हर एक दिन बाद अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हमारी स्किन को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में फेस पैक बता रही थी, तो चलिए बताती हूँ। तो मैंने ये जूस निकाल लिया है, मैं ऐड करूँगी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी तो हमारे चेहरे के लिए और ख़ासकर ओपन पोर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इस फेस पैक को जब आप लगा लेते हैं, तो मैंने जितने सारे फ़ायदे अब तक आपको इसमें बताए हैं इस वीडियो में, वो सारे फ़ायदे आपकी स्किन को मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ आपकी स्किन को ये टाइट एंड ब्राइट भी करेगा। तो इस फेस पैक को आपको कितनी बार लगाना है सप्ताह में, मैं वो भी बता देती हूँ। इस फेस पैक को हमें सप्ताह में बस एक बार ही लगाना है, और उसे हमें 15 से 20 मिनट अपने चेहरे पर लगा के रखना है, और फिर सादे पानी से हमें धो लेना है। आप ठंडे पानी से भी धो सकते हैं। मैंने आपसे बताया था कि गुलाब जल हमारा ऑप्शनल होगा, अगर आपके पास है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा हमने बनाया है वैसे ही हम उसको यूज़ करेंगे। तो चलिए, मैं गुलाब जल की कुछ बूंदें इसमें ऐड कर लेती हूँ, और मेरा ये फेस पैक बन के अच्छे से रेडी हो गया है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ इसको हम अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने में हमें कुछ खास नहीं करना है, जैसे हम सारे फेस पैक अप्लाई करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हमें अपना फेस पैक ही अप्लाई करना है। और आप अप्लाई करके इसको आप ज़रूर देखिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट फ़ायदे आपको एक बार लगाते में ही मिल जाएगा, और आपको लगेगा कि वाकई ये फेस पैक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, मैं तो चल रही हूँ इस फेस पैक को लगाने के लिए, पर जाते जाते मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ ही मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल होती रहे। तो चलिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और जा रही हूँ मैं इस फेस पैक को अप्लाई करने के लिए, और जाते जाते आपको बता ही देती हूँ कि इस फेस पैक को हम अप्लाई कैसे करना है। जैसे हम और सारे फेस पैक लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको अप्लाई करना है, ऐसे राउंड राउंड करते हुए हमें अपने फेस पर इसको अप्लाई करना है। ऐसे फेस पैक अप्लाई करने का वही तरीका है, इसका कोई खास तरीका नहीं है, सारे फेस पैक एक ही तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। तो इस फेस पैक को आप बनाइए और ज़रूर लगाइए, समर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। आप इसको अप्लाई कर लेते हैं और आपके लिए यूज़फुल हो जाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना यूज़फुल हुआ, इसको लगाने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिले, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं वेट करती हूँ आप सभी के कमेंट का। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं आप लोगों से फिर से बोलना चाह रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और मैं चल रही हूँ सुरक्षा को लगाने के लिए, और चलते आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।